हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खेल कबड्डी। इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं कबड्डी में हुए मैच नंबर 80 के हाइलाइट्स। मैच पटना पायरेट्स और तमिल थलाइवास के बीच हुआ था, जिसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मार्जिन के साथ जीत हुई पटना पायरेट्स की। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं टीम स्टैट्स। मैच के फर्स्ट हाफ में पटना पायरेट्स लीड में नजर आई, जहाँ उनके पास टोटल पॉइंट्स थे 21, रेड पॉइंट्स थे 11, टैकल पॉइंट्स थे 6, ऑल आउट और एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे 2। तो वहीं तमिल थलाइवास के पास टोटल पॉइंट्स थे 12, रेड पॉइंट्स थे 7, टैकल पॉइंट्स थे 4 और एक्स्ट्रा पॉइंट था 1। मैच के सेकेंड हाफ में पटना पायरेट्स के पास टोटल पॉइंट्स थे 31, रेड पॉइंट्स थे 10, टैकल पॉइंट्स थे 15 और ऑल आउट पॉइंट्स थे 6। तो वहीं तमिल थलाइवास ने स्कोर किए टोटल पॉइंट्स 12, रेड पॉइंट्स 7, टैकल पॉइंट्स 5। रेड्स की बात की जाए तो इस मैच में कोई भी सुपर रेड नहीं हुई। पटना पायरेट्स और तमिल थलाइवास दोनों ही टीम्स के पास टोटल रेड्स थी 43, जिसमें पटना पायरेट्स की सक्सेसफुल हुई 20 और तमिल थलाइवास की सक्सेसफुल हुई 11। लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल रेड पटना पायरेट्स की थी 6 और तमिल थलाइवास की थी 2। टैकल रिकॉर्ड्स देखे जाए तो तमिल थलाइवास ने एक सुपर टैकल किया था। उनके पास टोटल टैकल्स 26 थे, जिसमें उनके सक्सेसफुल 8 रहे थे, और पटना पायरेट्स के पास टोटल टैकल्स 29 थे, जिसमें उनके सक्सेसफुल 21 रहे थे। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द मैच। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पटना पायरेट्स के टॉप परफॉर्मर्स। टॉप रेडर रहे प्रशांत कुमार, जिनके रेड अटेम्प्ट्स थे 12 और रेड पॉइंट्स थे 8। टॉप डिफेंडर रहे मोहम्मद रेजा, जिनके टैकल अटेम्प्ट्स थे 8 और टैकल पॉइंट्स थे 6। आइए अब जान लेते हैं तमिल थलाइवास के टॉप परफॉर्मर्स। टॉप रेडर यहाँ पर रहे अजिंक्य पवार, जिनके रेड अटेम्प्ट्स थे 17 और रेड पॉइंट्स थे 5। टॉप डिफेंडर रहे सागर, जिनके टैकल अटेम्प्ट्स थे 11 और टैकल पॉइंट्स थे 8। आज के मैच में तीन बार रही चैंपियन पटना पायरेट्स टीम ने कमाल किया है। उनके रेडर्स के साथ साथ डिफेंडर्स ने भी खूब कमाल किया। टीम में हर एक प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद उन्होंने टोटल पॉइंट्स बनाए 52। तो वहीं तमिल थलाइवास के डिफेंडर्स और रेडर्स बिल्कुल भी नहीं चल पाए। सिर्फ एक डिफेंडर को छोड़कर तमिल थलाइवास के प्लेयर इस मैच में कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। उन्होंने स्कोर किए 24 पॉइंट्स। तमिल थलाइवास की टीम आज पटना पायरेट्स से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स डिफरेंस के साथ हारी है, तो शायद हो सकता है इस हार से वो कुछ सीखकर आगे आने वाले मैचेस में कुछ कमाल कर जाए। आप सबको क्या लगता है कि तमिल थलाइवास टीम फिर से कमबैक कर पाएगी या नहीं? प्लीज़ कमेंट। ऑल्सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।